दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बारे में। किसी भी कंट्री का वीज़ा के लिए, चाहे वो शेंगेन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे जापान, फ्रांस, कोरिया, किसी भी कंट्री वीज़ा के लिए आपको बिज़नेस का डॉक्यूमेंट्स कौन सा चाहिए और वो कैसे बनाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमएसएमई जो है, एमएसएमई जो रजिस्ट्रेशन निकलता है, बिज़नेस का डॉक्यूमेंट्स निकलता है, वो डॉक्यूमेंट्स क्या सही है वीज़ा के लिए या वो डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आया आप लोगों को मैं क्या संदेश देना चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नया व्यूअर्स है मेरे चैनल में, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन उसको दबा दीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वीज़ा के लिए या वीज़ा के लिए हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसके लिए एमएसएमई क्या मैंडेटरी है? अगर ये मैंडेटरी है या क्यों चाहिए, तो दोस्तों वीडियो को आप देखिए। दोस्तों एमएसएमई जो होता है वो एक गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। एमएसएमई में क्या क्या होता है? आपका नाम लिखा रहता है, आपका बिजनेस का नाम होता है, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका बैंक डिटेल, सारा चीज़ें एमएसएमई में मेंशन होते हैं। दोस्तों ये 2018-19 में जो एमएसएमई था उसमें ये सारा डिटेल्स दिख जाता था। एक एमएसएमई का अगर आपको अभी मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, वो एमएसएमई आप लोग देखिए, इसमें प्रोपराइटर का नाम है, बिजनेस का जो नाम है, वो सारा कुछ इसमें दिख रहा है आपको। लेकिन दोस्तों 2020 में जो एमएसएमई निकल रहे हैं, अभी जो हमने भी कम से कम 10-12 एमएसएमई निकल रजिस्ट्रेशन किया है एमएसएमई का, लेकिन दोस्तों उसमें एक बिग प्रॉब्लम आ रहा है। ये बिग प्रॉब्लम क्या आ रहा है? दोस्तों एमएसएमई में आपका बिजनेस का नाम भी आ रहा है, आपका जो बिजनेस का ट्रेड नेम है वो आ रहा है, लेकिन उसमें एक एड्रेस भी आ रहा है। एक प्रॉब्लम जो बिग प्रॉब्लम है, उसमें जो प्रोपराइटर है, आप अगर उसका ओनर हो या प्रोपराइटर हो, तो उसमें किसी जगह आपका नाम मेंशन नहीं है। जो 2020 में जो एमएसएमई निकल रही है, तो आप एक बात सोचो, आपका जो नाम है पासपोर्ट पे, शायद आपका नाम है अजय, आपका आईटीआर पे भी नाम है अजय, लेकिन एमएसएमई पे आपका कुछ भी नाम नहीं दिख रहा है, तो ये जो एमएसएमई आपका है ये कैसे प्रूफ होगा? और ये जो कॉन्सुलेटी एम्बेसी है ये कैसे जस्टिफाई करेगा कि ये एमएसएमई आपका है, ये जो बिजनेस प्रूफ है ये आपका है और ये जेन्युइन है? इसलिए दोस्तों ये प्रॉब्लम एक बिग प्रॉब्लम हो गया है एमएसएमई का। एमएसएमई मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि अभी आप लोग एमएसएमई मत करवाओ अपना। एमएसएमई के ऊपर अगर आप फाइल डिपेंडेंट हो, आपका फाइल अगर एमएसएमई के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब आपका बिजनेस का प्रूफ अगर सिर्फ एमएसएमई है, तो वो दोस्तों ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्स अगर आप डालोगे, एमएसएमई डालोगे, तो आपका वीज़ा इसमें नहीं आएगा, रिफ्यूज़ होने का चांसेस ज़्यादा है। तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है एमएसएमई में? एमएसएमई में दोस्तों एक सोल्यूशन है, वो ज़रूर है। एमएसएमई अगर किसी का पिछले साल का एमएसएमई है, उसमें नाम वगैरह जो बिज़नेस का नाम है, ट्रेड नेम है, वो दिया हुआ है, और साथ में ये जो एमएसएमई है इसको आप माइग्रेट करके आप जब प्रिंट वगैरह जब लोगे, तब आपका ये एक मतलब टाइज बनता है कि पिछले एमएसएमई में आपका जो नाम था, इस एमएसएमई नाम नहीं है, लेकिन आपका बाकी जो डिटेल्स है वो सारा सेम है। ये एक सोल्यूशन इसका हो सकता है। लेकिन दोस्तों दूसरा जो सोल्यूशन है मेरे पास, वो इस एमएसएमई के साथ आप अपना फाइल वगैरह मत अप्लाई कराओ, ठीक है, इसको आप छोड़ ही दो। आप दूसरा कोई बिज़नेस का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आप रेडी करो अपने बिज़नेस के लिए, आपका वीज़ा फाइल के लिए। आपका जो पंचायत है, नियर पंचायत या कोई म्यूनिसिपलिटी है, उधर से आप अपना दूसरा कोई बिज़नेस का ट्रेड लाइसेंस वो आप रेडी करो, वो ट्रेड लाइसेंस लेके आप अपना फाइल वगैरह सबमिट करो। अगर ट्रेड लाइसेंस का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपना जीएसटी ले लो। जीएसटी भी बड़ी आसानी से 4-5 दिन या 10 दिन के अंदर मिल जाता है। जीएसटी में भी ट्रेड नाम लिखा होता है, आपका जो बिज़नेस नाम है वो ट्रेड नाम जीएसटी में भी लिखा रहता है, तो जीएसटी भी आप सबमिट कर सकते हो। आपको कोई भी वीज़ा फाइल के लिए बिज़नेस का प्रूफ मांगते हैं। बिज़नेस का प्रूफ दो तरह का होता है, एक होता है बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, अगर वो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप जीएसटी भी दे सकते हो साथ में, तो वो भी आपको काम पे आ जाता है। दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ, आप इस बार, इस साल जो एमएसएमई निकल रहे हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट से, वो पूरा ख़राब है। उसमें कोई काम वगैरह वीज़ा का काम कम से कम नहीं चलेगा, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो दोस्तों आप अपना जीएसटी या तो आपका बिज़नेस ट्रेड लाइसेंस बना लो। दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन जो देना था आप लोगों को,
ये बिज़नेस के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में वो मैंने आप लोगों को दे दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक, और दोनों ही केस में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।